गाइस, कोरोना के बाद अब लंपी वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी हाँ गाइस, देश में 11 लाख से ज्यादा पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और ये वायरस अब तक देश के 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है, जिसकी वजह से 50,000 से भी ज्यादा पशुओं की जान चली गई है। और जिस तेजी से ये फैल रहा है, उसे देखते हुए इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। दरअसल ये वायरस स्किन डिजीज वायरस है, जो केवल गायों और भैंसों को ही संक्रमित कर रहा है। और अब हालात ऐसे हैं कि राजस्थान के बीकानेर में हर दिन 300 गायों की मौत सिर्फ इसी वायरस की वजह से हो रही है। गाइस, अगर वक्त रहते इस वायरस को नहीं रोका गया तो इंसानों के लिए ये घातक साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के बीकानेर में कई लोगों ने दूध की बजाय काली चाय पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं संक्रमित गायों के दूध पीने से वो खुद संक्रमित ना हो जाएं। बहरहाल, अब तक कोई ऐसा मामला सामने तो नहीं आया है कि गाय और भैंस के दूध से कोई संक्रमित हुआ हो, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे गाइस, इन संक्रमणों से हमें अपना ध्यान रखना होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।